जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। साथ ही साथ ये प्रयास भी किया जा रहा है कि पूर्व की सरकार में धोखा खाए लोगों को उचित सम्मान दिलाया जाए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी रणविजय कुमार के जनसंपर्क के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती की नीतियों में प्रभावित होकर हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समूह के लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। उनका कहना है कि हमें समाजवादी पार्टी पर यकीन नहीं था कि वे हमारे वर्ग को विशेष दर्जा देंगे, लेकिन समाजवादी सरकार ने हमें सिर्फ छलने का काम किया है। जो सम्मान हमें सपा में नहीं मिला, वह सम्मान हमें बहुजन समाज पार्टी से मिल रहा है। बहन कुमारी मायावती की नीतियों और कार्यों से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हम उनकी सरकार बनाने में हर संभव मदद करेंगे। पहले तो आदमी सपा में था, सपा को भी हर टाइम दे करके उसको जिताया भी गया, देखा भी गया, लेकिन कोई स्रोत नहीं हुए है, न यहाँ के लोगों का कुछ फ़ायदा है, न कोई काम टाइम से हो रहा है। आज जो ये देखते हुए नवजू का टाइम है, तो नया प्रत्याशी है, तो इनसे हम लोग आशा करते हैं। BSP है अभी। हाँ, क्या लगा BSP में आपको? BSP में यह है कि आगे का स्रोत जो सही होगा और विकास का भी काम होते रहेगा, यही सब वजह है। मुलायम सिंह के मैनिफेस्टो में इसके पूर्व के चुनाव में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं होते थे, उस समय उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण देने के लिए 18% वादा किया, आरक्षण उन्होंने नहीं दिया। मुसलमानों के लिए उनके मैनिफेस्टो में इस बार कोई योजना नहीं है। हम चाहते हैं, गुजारिश करते हैं मुस्लिम समाज के लोगों से कि बहुजन समाज पार्टी को पूरे UP में जोर शोर से मजबूती के साथ समर्थन करें, वोट दें और BSP की सरकार बनाए। बहन मायावती जी के शासनकाल में, दंगे नहीं होते हैं। अखिलेश की सरकार में 500 दंगे हुए हैं यूपी में, इसकी हमने घोर आलोचना करता हूं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, इसलिए हम लोग BSP के साथ हैं और BSP को मजबूती से हम लोग यहाँ वोट देकर के चुनाव जिताएंगे और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमको समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष बनाया गया था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से, लेकिन हमको उसमें इज्जत सम्मान कुछ नहीं मिला, जिसके कारण हमको छोड़ना पड़ा। अभी कौन सी पार्टी ज्वाइन किए? अभी तो हम BSP से, बहुजन समाज पार्टी से। तो हमको अच्छा लगा, उनका व्यवहार अच्छा लगा और सम्मान भी दिए, इसके वजह से हम उनको साथ में हैं और हम उनको ये वादा किए हैं कि हम आपके साथ जो है कि तन मन धन से रहेंगे पार्टी में। बाकी बसपा में क्या लगा आपको? बसपा में हमको लगा इज्जत सम्मान मिला है इसमें, उसमें जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग इज्जत सम्मान हमको दिए हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए देवरिया से सत्य प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें।